everybody in this country knows that all decisions are taken by the Prime Minister, Mr. Narendra Modi. So what does it matter if X is Finance Minister or Y is Finance Minister? As far as Mr. Modi is concerned, he is the Finance Minister, he is the Defence Minister, he is the External Affairs Minister, he is the Minister for Sports, he is everything. So this is a complete inconsequence. Who is Minister is completely of inconsequence. I think only Mr. Gadkari has the courage to raise his voice occasionally. But even he's very muted today. He should unmute himself. आदरणीय मित्र चिदंबरम साहब ने ये कहा, इस देश में एक ही मंत्री हैं, वो स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं। वित्त मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, इसके अब कोई मायने नहीं। जो कैबिनेट प्रणाली है वो तार तार पड़ी है, वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसे में जब एक छत्र शासन एक व्यक्ति निरंकुश तौर से करे तो किसी और व्यक्ति के मंत्री होने या न होने का असर नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी श्री नितिन गडकरी जी की आवाज सुनाई देती है, पर वो भी बहुत ज्यादा दबी जबान से। और चिदंबरम जी का मानना है कि उन्हें अपनी आवाज थोड़ी और बुलंद की करनी चाहिए ताकि मंत्रिमंडल और कैबिनेट प्रणाली पूरी तरह से खत्म ना हो जाए।